नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोगों में। प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के 10 सबसे ताकतवर लोगों की सूची में शामिल किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगातार चौथी बार इस सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। वहीं अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्रम उनके बाद आता है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल तीसरे पायदान पर रही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चौथा स्थान मिला। पोप फ्रांसिस पांचवी पायदान पर है। विश्व के सबसे ताकतवर 74 लोगों की सूची में मोदी 9वें स्थान पर है। फोर्ब्स ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री 1.3 अरब की जनसंख्या वाले देश में अब भी बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। फोर्ब्स ने कहा कि बराक ओबामा और शी जिनपिंग के साथ आधिकारिक तौर पर मुलाकात कर हाल के वक्त में मोदी ने अपनी प्रोफाइल बतौर ग्लोबल लीडर बनाई है। फोर्ब्स ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले का भी उल्लेख किया। इस पर देश से लेकर दुनिया तक चर्चा है। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में वे एक अहम शख्सियत बनकर उभरे हैं। फोर्ब्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को उठाए गए नोटबंदी के कदम का भी जिक्र किया और सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को 38वें स्थान पर रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट के भारतवंशी सीईओ सत्या नडेल को सूची में 51वां स्थान मिला है। पत्रिका ने कहा कि दुनिया में 7 अरब 40 करोड़ लोग हैं, लेकिन ये 74 पुरुष और महिलाएं दुनिया बदलने का काम कर रहे हैं। फोर्ब्स हर 10 करोड़ की आबादी के हिसाब से एक व्यक्ति को सूची में शामिल करती है। और अब बात करते हैं सुर्खियों की। 36 छापों में 1000 करोड़ की अघोषित आय का पता लगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाई। घने कोहरे से 15 दिसंबर को 13 ट्रेनों का परिचालन रद्द। गोवा में नहीं पड़ेगा चक्रवाती तूफान वर्दा का असर। और सीरिया से आया था इस्तांबुल का हमलावर तुर्की।